अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 1.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो आपने इन क्वांटिटीज को प्रीफिक्सेस के साथ एक्सप्रेस करना है। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स that are added before system international units. As in part A, there is 5000 gram. तो यहां पर आपने यूज करना है prefixes. अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक होल नंबर में पॉइंट लाया करता है हमेशा लास्ट पर, एंड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट को आपने लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। और अगर हम पार्ट ए में देखें तो पार्ट ए में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5। That's mean कि पॉइंट अगर यहां पर मौजूद है तो पॉइंट को हम लेकर आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, विच मींस के 5 के बाद आपने लेकर आना है, तो पॉइंट को हम 3 स्पेसेस लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। सो कैन आई राइट इट एज 5 × 1000 ग्राम। अब 1000 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 10^3 ग्राम। नाउ वी नो वेरी वेल 10^3 का प्रीफिक्स होता है किलो। So I can say कि 10^3 का प्रीफिक्स होता है किलो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के के साथ। तो अब मैं 10^3 की जगह इसका प्रीफिक्स यूज कर लूंगा, विच इज किलो। सो द आंसर इज 5, इसकी जगह आ जाएगा किलो ग्राम। सो द आंसर इज 5 किलोग्राम। तो इस तरह से हमने इस ए पार्ट को एक्सप्रेस कर लिया प्रीफिक्सेस के साथ। नाउ पार्ट बी, which is 2 million watt. So, अब यहां पर पॉइंट अगेन लाई कर रहा है लास्ट पर, तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म पॉइंट को आपने लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इस केस में है हमारे पास 2। तो पॉइंट को हम कितने स्पेसेस लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे? सो काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पॉइंट को हम 6 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, एंड आई कैन राइट हियर 2 × 10^6 watt. Now we know very well 10^6 इसका prefix होता है mega. So I can say that 10^6 that is equals to mega, जिसको आप capital M से represent करते हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2, इसकी जगह आ जाएगा इसका prefix mega watt. So 2 megawatt is the answer. Now part C, which is 52 × 10^-10 kilogram. Again 52, तो यहां भी point lie कर रहा है last में, that means कि 2 के बाद, तो point को आपने लेकर आना है first non-zero digit के बाद, which is 5. तो point को जब हम एक digit पीछे लेकर आएंगे, it becomes 5.2. एक डिजिट पीछे लाने की वजह से आगे हम मल्टीपल ऐड कर देंगे 10^1. तो आप जितने भी डिजिट पीछे लेकर जाएंगे, आप उतने की पावर से 10 का मल्टीपल यहां पर ऐड कर देंगे, × 10^-10 एज इट इज। नाउ हियर इज किलोग्राम, किलो। सो किलो प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर होता है 10^3। तो यहां पर मैं इस किलो की जगह प्लेस कर दूंगा 10^3, और ग्राम एज इट इज आ जाएगा। नाउ वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर 10, 10, 10 बेस सेम है, तो आप पावर को इजीली ऐड कर सकते हैं। सो द आंसर इज 5.2 × 10^-1 − 10 + 3 ग्राम। सो अगेन 5.2 × 10^-1 − 10 + 3, that is equals to −6 gram. Now we know very well 10^-6 का prefix होता है micro. So 10^-6 that is equals to micro, और micro का symbol होता है this. So अब यहां पर मैं 10^-6 की जगह use करूंगा इसका prefix, which is micro. So I can write here 5.2, इसकी जगह आ जाएगा माइक्रोग्राम। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी।
Now move towards part D, which is 225 into 10 raised to the power minus 8 second. Again, इस केस में भी पॉइंट लाया कर रहा है लास्ट पर, तो पॉइंट को हम लेकर आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, विच इज 2. सो पॉइंट लाया कर रहा है लास्ट पर, तो पॉइंट को हम लेकर आएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, विच इज 2. तो पॉइंट को हम यहां पर 2 डिजिट्स पीछे लेकर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से मैं यहां पर ऐड कर दूंगा मल्टीपल ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 2 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 एज इट इज आ जाएगा. अगेन 10 बेस सेम है, तो आप पावर्स को ऐड कर देंगे. सो द आंसर इज 2.25 इनटू 10 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 8 सेकंड. नाउ 2.25 into 10 raised to the power 2 minus 8, that is minus 6 second. As we studied that 10 raised to the power minus 6, that is equals to micro. So, iski jagah main use kar lunga micro. So, 2.25 micro seconds. So, this is the answer of part D. 1.2. How do the prefixes micro, nano and pico relate to each other? So, micro, nano और pico prefixes जो हैं, ये किस तरह से आपस में relate करते हैं? So, let's solve it out. First of all, हम micro, nano और pico का multiplier यहाँ पर note कर लेते हैं, कि इनके multiplier क्या है? As we know, कि micro का multiplier होता है 10 raised to the power minus 6. Nano का मल्टीप्लायर होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9. पीको का मल्टीप्लायर होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12. सो अब आपने ये फाइंड करना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है. सो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं नैनो से. एज वी स्टार्टेड कि नैनो इक्वल है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 के. अब क्या मैं यहां पर 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 को इस तरह से लिख सकता हूं? 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, बिकॉज़ द बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं और वो ऐड होकर वो बन जाएगा माइनस 9. अब जैसे कि मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू माइक्रो, अब इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं माइक्रो into 10 raised to the power minus 3 as it is आ जाएगा. So this is the relation of nano with micro. तो इस तरह से हमने nano और micro का एक relationship find out कर लिया. अब हम discuss करते हैं further pico और nano का आपस में क्या relationship है. So as we started pico that is equals to 10 raised to the power minus 12. So pico that is equals to 10 raised to the power minus 12. अब 10 raised to the power minus 12 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10 raised to the power minus 9 into 10 raised to the power minus 3. As we studied, 10 raised to the power minus 9 that is equals to nano. तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ nano into 10 raised to the power minus 3 और यहाँ पर आ जाएगा pico as it is. So this is the relationship of pico with nano. This is the second relationship of pico with nano. So now we discuss ki pico ka micro ke saath kya relationship hai. Again, we know that pico is equals to 10 raised to the power minus 12. अब अगेन मैं यहां पर 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 को इस तरह से लिख सकता हूं 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6. सो अभी हमने पढ़ा कि 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 का प्रीफिक्स होता है माइक्रो, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइक्रो इनटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6. सो पीको यहां पर एज इट इज आ जाएगा. सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ पीको विद माइक्रो. So, इस तरह से हमने तीनों प्रीफिक्स का आपस में रिलेशनशिप स्टडी कर लिया. मेडिकल नंबर 1.3. योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड. सो यहां पर हमसे कहा गया है कि हेयर का जो ग्रोथ रेट है
वो 1 मिलीमीटर पर डे है। तो आपने इस ग्रोथ रेट को फाइंड करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं एज वी हैव द ग्रोथ रेट इन मिलीमीटर पर डे। सो ग्रोथ रेट विच इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर पर डे एंड वी हैव टू फाइंड ग्रोथ रेट दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इन नैनोमीटर पर सेकेंड। सो दैट मीन्स कि यहां पर आपने मिली को कन्वर्ट करना है नैनो में और डे को कन्वर्ट करना है आपने सेकेंड्स में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहां पर मिली की। सो मिली दैट इज इक्वल्स टू 10^-3 एज वी हैव 1 मिलीमीटर। सो दैट इज इक्वल्स टू 10^-3 meter। सो अब सिंपली अगर हम बात करें वन डे की, सो वन डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, एज वी नो कि वन डे में 24 hours होते हैं और 1 hour में 60 minutes होते हैं और 1 minute में 60 seconds होते हैं। तो इस सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8600 seconds। अब फर्दर हम ग्रोथ रेट को कन्वर्ट करते हैं नैनोमीटर पर सेकेंड में। सो एज वी स्टार्टेड दैट ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर पर डे। सो 1 मिली की जगह हम प्लेस कर देंगे 10^-3 मीटर एज इट इज आ जाएगा और पर डे, सो डे की वैल्यू को यहां पर हम सेकंड में एक्सप्रेस कर देंगे विच इज 8600 seconds। अब फर्दर जब इस सब को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा 0.1157 इंटू 10^-7 seconds। तो अब हमें यहां पर चाहिए नैनो, तो ये बेसिकली आपके पास यहां पर आंसर आया मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। अब हमें रिक्वायर्ड है नैनो, तो आप ये भी जानते हैं कि नैनो का जो मल्टीप्लायर होता है दैट इज 10^-9। तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं कि नैनो का मल्टीप्लायर होता है 10^-9 और इस नैनो को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्दर 10^-9 बनाने के लिए मैं इस पॉइंट को 2 digits आगे मूव करूंगा। तो जब मैं इस पॉइंट को 2 digits आगे मूव करूंगा तो ये बन जाएगा 11.57। अब क्योंकि पॉइंट 2 digits आगे मूव हुआ तो उसकी वजह से यहां पर 10^-2 का मल्टीपल ऐड हो जाएगा और सेम 10^-7 एज इट इज आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब अगेन 10-10 जब बेस सेम हो जाएगी तो पावर्स आप ऐड कर लेंगे एंड द फाइनल आंसर इज 11.57 इंटू 10^-2 - 7 मीटर पर सेकेंड एंड अगेन 11.57 इंटू 10^-2 - 7 दैट इज -9 मीटर पर सेकेंड और 10^-9 दैट इज इक्वल्स टू नैनो। सो नैनो का सिंबल होता है एन, तो यहां पर आ जाएगा इसकी जगह पर एन और मीटर पर सेकेंड यूनिट एज इट इज। सो दिस इज द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड विच इज 11.57। क्लियर? इन दिस लेक्चर वी सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 1.1, 1.2, 1.3 एंड द रिमेनिंग न्यूमेरिकल विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन टेक केयर। Allah Hafiz.